सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हमने पाइरिडिन को डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। हम पढ़ रहे थे इसमें हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, इसमें हम पढ़ रहे थे पाइरिडिन। ठीक है बच्चों, पाइरिडिन हम पढ़ रहे थे। पाइरिडिन में हमने स्टार्ट की थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने बच्चों इसको दो भागों में बांटा था। एक हमने स्टडी की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक तरफ हमने इसको डिवाइड किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पाइरिडिन के अंदर हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है पाइरिडिन में है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पाइरिडिन। ठीक है बच्चों, अब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करने के पहले मैं कुछ पहले की जो क्लास है उसका पार्ट रिवाइज करा देती हूँ कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी पिछली क्लास में, उसमें हमने अगर हम पाइरिडिन को कुछ इस तरह से बनाएं, तो हमने देखा था कि पोजीशन 2, 4 और 6 पे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से होता है, और पोजीशन 3 और 5 पे इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक है वो आसानी से होता है। ये हमने हमारी पिछली क्लास में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी उसके हिसाब से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है, जिस वजह से जो रिंग है बेंजीन जो रिंग है इसके ऊपर, साइक्लिक रिंग है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक है उसके दो मेन रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से जो रिंग है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रिंग में माइनस, यानी हम ये कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो है नाइट्रोजन इन जो इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। थ्री एंड फिफ्थ पोजीशन पे रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है यहाँ पे होना आसान है, बजाय कि 2, 4 और 6 जहाँ न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो 3 और 5 पे इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, इलेक्ट्रो जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है, सेकंड रीज़न जो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वजह से, ये है कि मान लीजिए अगर हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के दौरान हम इसको एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो लोन पेयर का जो है वो प्रोटोनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। एसिड्स के साथ जो है लोन पेयर का प्रोटोनेशन बहुत आसानी से हो जाता है, और इसकी वजह से हमें ये स्ट्रक्चर मिलती है। यानी जो लोन पेयर है वो आसानी से हाइड्रोजन के साथ प्रोटोनेशन कर लेता है, इसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये जो बाकी के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी अपनी तरफ और ज़्यादा आकर्षित करता है, और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से जो रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो कम आ जाती है, यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है और भी कम हो जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं, इन दोनों रीजन से बता सकते हैं कि जो पाइरिडीन है उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत ही कम होती है, और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में हम कहें उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो हम कुछ जो इसकी जो रिएक्शंस हैं कुछ उसको डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक स्टडी कर लिया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होगा पाइरिडीन पे वो 3 और 5 पोजीशन पे होगी। तो सबसे पहले रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन फर्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है पाइरिडीन की, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेशन रिएक्शन है सबसे पहले, इसके लिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं पाइरिडीन जिसके ऊपर हमें अटैक करवाना है। ये हमारा पाइरिडीन है, इसके साथ हम ले रहे हैं कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड फ्यूमिंग HNO3। अगर हम इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करवाएं तो हमें 3-नाइट्रोपाइरिडीन मिलता है। हमें मिलता है 3-नाइट्रोपाइरिडीन। यहाँ पे जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो हम कह सकते हैं कि NO2+ है, ये हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर तैयार करते हैं 300 सेंटीग्रेड पे, उसको हीट करने पे हमें 3-नाइट्रोपाइरिडीन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। नेक्स्ट हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ठीक है। सल्फोनेशन के लिए बच्चों नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। अब जो बच्चों पाइरिडीन का जो सल्फोनेशन होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, इसके लिए हमें थोड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस लेनी होती है। तो इसके लिए क्या है, हम पाइरिडीन ले रहे हैं ठीक है। इसके साथ जो हमारा सल्फोनेटिंग मिक्सचर है उसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं H2S2O7 हम इसे कहते हैं ओलियम। इसको ओलियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसको हम मर्कुरिक सल्फेट के साथ HgSO4 को 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इसको हीट करें, पाइरिडीन को ओलियम के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट में 220 सेंटीग्रेड पे अगर हम इसे हीट करें तो हमें मिलेगा 3-सल्फोनिपाइरिडीन SO3H करें तो हमें मिलता है पाइरिडीन 3-सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ओलियम के साथ हीट किया जाए तो हमें मिलता है पाइरिडीन 3-सल्फोनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन जो आ रही है वो है हैलोजिनेशन। हम नेक्स्ट रिएक्शन इसकी पढ़ते हैं वो है, यानी थर्ड रिएक्शन हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का अटैक
चाहे सीएल हो या बीआर हो या आई हो, कोई भी हेलोजन हो सकता है इसमें से। पाइरिडिन के ऊपर हम हेलोजन का अटैक करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम मान लीजिए हम फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है हम यहाँ पे क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास पाइरिडीन है, पाइरिडीन के साथ हम लेते हैं टू मॉलिक्यूल, हम लेते हैं क्लोरीन Cl2 और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ AlCl3। तो हमें मिलेगा 3 क्लोरोपाइरिडीन। तो ये एक क्लोरीनेशन रिएक्शन है और ये AlCl3 एज अ कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट हमने AlCl3 यूज किया है। तो हमारी फर्स्ट जो हेलोजिनेशन थी रिएक्शन थी वो थी क्लोरीनेशन। नेक्स्ट जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो है ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन, यानी हम यहाँ पे ब्रोमीन का, ब्रोमाइड आयन का अटैक करवाना चाहते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो है ब्रोमीन। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो आपको प्रोडक्ट में डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारे पास पाइरिडीन। अगर पाइरिडीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, यानी लिक्विड ब्रोमीन के साथ, हम यहाँ पे ले रहे हैं लिक्विड ब्रोमीन के साथ, अगर चारकोल एज अ एक्टिवेटर अगर हम इसको 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम हीट करवाएं, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम हीट करवाएं, तो एक तो हमें मिलता है 3-ब्रोमोपाइरिडीन, एक हमें मिलता है 3-ब्रोमोपाइरिडीन, ठीक है। और एक और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है वो है 3,5-डाइब्रोमोपाइरिडीन प्लस 3,5-डाइब्रोमोपाइरिडीन, ठीक है। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं अगर Br2 को, मतलब ब्रोमीन को, हम चारकोल ऐसे एक्टिवेटर के साथ हीट करवाएं, तो हमें अगर हम पाइरिडीन को Br2 के साथ चारकोल ऐसे एक्टिवेटर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करवाएं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। और अगर इसी को हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करवाएं, वही हम ले रहे हैं, सेम है, प्लस Br2 एंड चारकोल एज एक्टिवेटर, तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे कुछ इस तरह से। हमें एक तो मिलेगा, हमें मिलेगा एक 2-ब्रोमोपाइरिडीन, हमें मिलेगा 2-ब्रोमोपाइरिडीन प्लस हमें मिलेगा 2 and 6-डाइब्रोमोपाइरिडीन, एक हमें मिलेगा 2-ब्रोमोपाइरिडीन और एक हमें मिलेगा 2,6-डाइब्रोमोपाइरिडीन, ठीक है। तो हमें कुछ ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये थी हमारी नेक्स्ट ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ये हमें इस तरह से मिले क्योंकि एट 500 डिग्री पे ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है चेंज हमें दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ हमारी जो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी पाइरिडीन की। आगे वाली क्लासेस में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पाइरिडीन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।